अपनी धुआंधार बैटिंग के लिए मशहूर संदीप पाटिल साल 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के मेंबर थे। संदीप ने ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि ग्लैमर इंडस्ट्री में भी अपनी किस्मत आजमाई और इसी दौरान वो एक विवादों में भी फंस गए थे और उन्होंने अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेस पूनम डिलन के साथ एक सीन शूट करने के चक्कर में मैच खेलने से भी इनकार कर दिया था। मूवी शूट के लिए काम करने से मना करने पर संदीप की जमकर आलोचना हुई थी। इसी के बाद से उनके और एक्ट्रेस पूनम के बीच अफेयर की बातों ने जोर पकड़ा। ऐसा कहा जाता था कि दोनों एक दूसरे को छिप छिप कर डेट करते थे। इन दोनों ने कभी अजनबी थे फिल्म में एक साथ काम किया था। इस फिल्म के लीड रोल में संदीप पाटिल थे। उनके साथ पूनम और देवश्री रॉय को कास्ट किया गया था। ये फिल्म लोगों ने काफी पसंद की थी। हालांकि संदीप ने इसके बाद कोई और फिल्म नहीं की। कम ही लोग जानते हैं कि फिल्म कभी अजनबी थे में एक और क्रिकेटर सैयद किरमानी ने भी विलेन की एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। यहां तक कि फिल्म के एक सीन में विलेन और हीरो के बीच फाइट भी होती है। इस सीन में किरमानी और पाटिल आमने सामने थे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।